फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज के ब्लॉग हमारा चावल के खेत में, देखते हैं चावल के खेत में कैसे कटिंग हो रही है। आज ये देखिए हमीद किस तरह से कटिंग कर रहा है, चलो कैसे काटते देखते। चलिए ये देखिए पूरा कैमरा क्लोज करता हूँ। देखो तो मशीन से भी कट सकते हैं, लेकिन हमारे इधर हाथों से कटती है। और दूर दूर तक आपको जहाँ तक नजर आएगी चावल की खेती नजर आएगी, ये देख सकते हैं। देख ये देखिए हमारे असम के अंदर चारों तरफ कितने चावल की खेती है। दूर दूर तक जहाँ तक आपको नजर आएगी चावल ही चावल दिखेगा, जहाँ तक नजर भी नहीं आएगी वहाँ तक चावल। ये देखिए, और ये हमारा बहन जी सायरा। सायरा कुछ बोलो। ये हमारे लिए पानी लेके आई है पीने की। ये देखिए दूर दूर तक चावल की खेती है। तो चलिए हम इनसे पूछते हैं, भाई चावल की जो खेती होती है इसमें कितना मुनाफा हो जाता है साल में, क्या बता सकते हैं आप? हाँ, हो जाता है। जैसे कि अगर हम एक दो बीघा अगर खेती करें तो आप मतलब जो 100 क्विंटल हो जाएगा ऐसे धान हो जाता है। उससे अगर हम पैसे की अगर पैसे कितना होता है अगर ये समझे तो समझो एक साल में अगर जो खेती होता है एक बीघे में तो उसमें तकरीबन 10,000 तक पैसा हो जाता है। चावल अगर बेच दे हम तो 10,000 रुपया हो जाता है एक बीघे में। और जो धान है ना उसको हमारे यहाँ असम में कहते हैं कि रंजित कहते हैं। जैसे कि ये देखिए क्लोज करके देखिए, ये छोटा छोटा जो चावल है ना इसको रंजित के धान कहते हैं असम में। पता नहीं आपके यहाँ होता है या नहीं, लेकिन हमारे असम में ज्यादातर इसी धान खेत किया जाता है, उसको रंजीत धान कहते हैं। तो ठीक है, देखते हैं आगे। ये बांस लेके आए हैं, देखते हैं इस बांस से क्या करते हैं। तो बांस बंगाली में बांस कहते हैं, बंगाली तो हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं बांस। क्या करते हैं इसे देखते हैं, ठीक है? हम इसे धान को नीचे की तरफ मतलब चलेंगे, ठीक है? करके दिखाओ, करके दिखाओ, क्योंकि वो आंखों में लग जाता है ना, जब काटते हैं ना तब आंखों में लग जाता है, इसलिए हम इससे प्रेशर करेंगे और नीचे की तरफ झुक जाएगा, उसके बाद अच्छी तरह से काट सकते हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। इसे लगा देते हैं, इसके बाद ऐसे ही प्रेशर करना है, और झुक जाएगी तो अच्छी तरह से काट कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो हमारे आंखों में लग जाता है, चेहरे पे लग जाता है, कट जाता है, ठीक है? इसलिए हम उसको पहले ऐसे नीचे की तरफ धकेल लेते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे उसके बाद काट करके तो इसको इस तरह हाथ से थोड़ा झुका देते हैं बांस से, तो इससे क्या होता है जैसे आंखों में नहीं लगती है। वाह क्या बात है। इससे क्या है जो धान जो है थोड़ा झुक जाता है और कटिंग करने में अच्छा रहता है। तो अब हम आए हैं पानी पीने, क्योंकि गर्मी बहुत है और प्यास भी बहुत लगी है। चलो बैठ के पीते, क्योंकि बैठ के पीना अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है और लिवर के लिए भी अच्छा है। इसलिए हम क्या करेंगे, बैठ के पानी पीते हैं, और सबको बैठ के पानी पीना चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा है। देखो ये सब हम पानी पी रहे देख के, चलो इनसे बात कर लो, हाय बोल दो। तो सब बहुत थक चुके हैं और अब पानी पी रहे हैं, ठीक है? चेस। और पानी पीने के बाद हम और ज्यादा कट करेंगे और वीडियो नहीं बनाएंगे अभी, सिर्फ कट करते रहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कटना पड़ेगा आज के दिन, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बारिश भी आने वाला है। तो ठीक है अभी पानी पीते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो ये सहरा आई थी हमारे लिए पानी लेकर, अब जा रही है घर। चलो कुछ बात कर लो, बोलो। अरे बोलो, जा रहे भाई, बोल दो उनको। सब्सक्राइब करो वरना बात नहीं करूंगी। सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलो बात, बाय कर दो, बाय कर दो। बाय बाय। कितने दूर जाओगे? एक किलोमीटर से ज्यादा दूर आई थी पानी लेके, आप जा रही है घर में वापस, क्योंकि हम तो पानी पी चुके और आप धान काटने वाले, ठीक है? तो बाय बोल दो उनको। बाय बाय। और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर सब कुछ कर दो, मत भूलिएगा।